Hello everyone, this is Mansi from evidhati.in. Now we are going to start with the important terms of chapter number 13. So, सबसे पहला है amplitude. So, वैसे तो हमने जब notes किए थे तो हमने discuss किया था पूरा topic. Amplitude को define कर सकते हैं as the maximum distance to which a vibrating body moves on either side of its mean position is called the amplitude of vibration. Vibration जैसे इस तरह से अगर ये साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है एंड इफ आई क्रॉस इट लाइक दिस, सो ये जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम जितना वो डिस्प्लेस करेगा ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, चाहे यहां पे देख लो चाहे यहां पे देख लो. ठीक है, सो ये हो गया एम्पलीट्यूड. गॉट इट. नेक्स्ट है ईयर ड्रम्स. अब ईयर ड्रम्स क्या होते हैं, ये जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का पार्ट किया था तब देखा था. अ थिन मेम्ब्रेन व्हिच इज स्ट्रेच्ड टाइटली टू रिसीव द वेव्स Before sound at the end of ear canal. So, कोई भी साउंड आते तो हमारे ear canal का जो end है जो कि receive करता है उस wave को, that is ear drum. Also हमें पता है वो जो membrane होती है वो vibrate करती है and वो जाके अपना जो भी उसका process होता है sound को hear करने का उसमें help करती है. Next है frequency. Frequency क्या होता है, exercise में questions भी करें, definitions काफी बार करी है. The number of oscillations or vibrations per second. एक सेकेंड में कोई चीज कितनी बार ऑसिलेट कर रही है या वाइब्रेट कर रही है वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी. देन है हर्ट्ज. हर्ट्ज हमें पता है क्या होता है, दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम इसमें. सो द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज, उसकी एसआई यूनिट है बेसिकली. देन लिरिक्स, अभी पूरा क्वेश्चन किया है हमने इस पे. इन ह्यूमंस दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय थॉट में एक पार्ट होता है जिसकी हेल्प से इसमें वोकल कॉर्ड जो होती है वो वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं हम. ठीक है, नेक्स्ट है लाउडनेस. अब लाउडनेस क्या होता है, लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर इज द साउंड. हमने देखा था जो एम्पलीट्यूड होता है और जो लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितना साउंड वेव में जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है उतनी ही लाउड साउंड होती है. गॉट इट. Then noise, unpleasant sounds are called noise. कोई भी unpleasant sound noise होती है. Next है oscillation. Oscillation क्या होता है, the to and fro motion of an object is called oscillation motion. So किसी भी चीज का to and fro movement उसका oscillation कहलाता है. ठीक है, next है हमारे पास pitch. अब pitch क्या होता है, sorry pitch होता है हायर द फ्रीक्वेंसी. अब देखो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है उतनी ही वॉइस की पिच ज्यादा होती है, या हम उसको बोलते हैं श्रिंक ऑफ साउंड. आवाज जो चुभरे वाली है या नहीं है, दैट इज द पिच ऑफ साउंड. नेक्स्ट है टाइम पीरियड. सो द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, जरूरी नहीं है पेंडुलम हो, बाय एनी ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, दैट इज द टाइम पीरियड. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वाइब्रेशन. सो वाइब्रेशन क्या होता है, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन. अब किसी भी, जैसे कोई भी चीज वाइब्रेट होती है, आपने देखा है स्ट्रिंग है उसको अगर आप स्ट्रेच करके छोड़ दो या एक रबर को स्ट्रेच करो एंड ऐसे करके छोड़ो तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है. ठीक है, सो वही टू एंड फ्रो मूवमेंट कह लो या बैक एंड फोर्थ मोशन कह लो, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसकी वाइब्रेशन होता है. नेक्स्ट है वॉइस बॉक्स. नाउ अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. विंड पाइप का जो अपर एंड होता है वहां पे होता है वॉइस ऑफ वॉइस बॉक्स. बिलो द हार्ड पार्ट ऑन द थ्रॉट इज कॉल्ड द वॉइस बॉक्स. लास्ट है हमारे पास विंड पाइप. सो विंड पाइप हमने जब रेस्पिरेटरी वगैरह पढ़ा है अपनी छोटी क्लासेस में उसमें पढ़ा है हमने, इट इज द पैसेज फॉर द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ एयर इन दी लंग्स. तो लंग्स में एयर इनसाइड जाना एंड आउटसाइड जो पासेज होता है जिस पाइप से पास होती है, दैट इज कॉल्ड दी विंड पाइप. ओके, सो विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीट द चैप्टर. इसके चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसके नोट्स एंड देन हमने इसकी एक्सरसाइजेस और अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कर लिए. सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर. स्टिल देयर इज एनी डाउट एनी क्वेरी, सो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. नाउ आई विल सी यू ऑल विद द न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड बाय.